Hello everyone, I am Priya and welcome back to Management Plus. In this video lecture, you will learn about meaning and types of endorsement in detail. Video शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही और भी बहुत सी वीडियोस को देखने के लिए. और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा. चलो फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं. देखिए सबसे पहले देखते हैं एंडोर्समेंट होता क्या है. तो क्या है, द एक्ट ऑफ अ पर्सन हु इज अ होल्डर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इन साइनिंग हिज और हर नेम ऑन द बैक ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट देयर बाय ट्रांसफरिंग टाइटल और ओनरशिप इज एन एंडोर्समेंट. ऐसा एक्ट जो एक पर्सन करता है, कौन सा पर्सन करता है, वो जिसने होल्ड कर रखा है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को, मतलब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का जो होल्डर होता है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के पीछे अपना सिग्नेचर करता है या करती है. ठीक है, जिससे क्या होता है, टाइटल और ओनरशिप जो होता है ना नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, वो ट्रांसफर हो जाता है. और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एंडोर्समेंट. मतलब मेरे पास एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, मैंने उसको होल्ड कर रखा है. अब उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के पीछे, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट तो जानते ही हैं, प्रॉमिसरी नोट होता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है, चेक होता है. तो उस पर्टिकुलर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के पीछे मैं अपना साइन करूं और किसी पर्टिकुलर पर्सन का डिटेल दे दूं, नेम लिख दूं, जिसको कि मैं इस चेक को देना चाहती हूं, आगे एंडोर्स करना चाहती हूं. ठीक है, तो उससे क्या होगा, ऐसे करने से क्या होगा, जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है उसका टाइटल या फिर कह लीजिए उसका ओनरशिप क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा उस पर्सन पे जिसका नाम मैंने पीछे लिखा था और अपना सिग्नेचर किया था. और इस पूरे प्रोसेस को, इस एक्ट को हम क्या बोलते हैं, एंडोर्समेंट बोलते हैं. एन एंडोर्समेंट मे बी इन फेवर ऑफ अनदर इंडिविजुअल और लीगल एंटिटी. एंडोर्समेंट किसको कर सकते हैं, आप किसी के भी फेवर में कर सकते हैं, किसी भी इंडिविजुअल के फेवर में कर सकते हैं या किसी लीगल एंटिटी के फेवर में कर सकते हैं. एन एंडोर्समेंट प्रोवाइड्स अ ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी टू दैट अदर इंडिविजुअल और लीगल एंटिटी. जैसे ही आपने एंडोर्समेंट किया तो आपने जिस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का एंडोर्समेंट किया, जिस भी प्रॉपर्टी का एंडोर्समेंट किया, वो उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल या लीगल एंटिटी के नाम से ट्रांसफर हो जाएगा. ठीक है, क्लियर. अब वो पर्सन जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को एंडोर्स कर रहा है, ठीक है, जिसके जिसको जो एंडोर्स कर रहा है, मतलब द पर्सन मेकिंग द एंडोर्समेंट, वो कौन होता है, एंडोर्सर. और जिसके नाम से एंडोर्स किया जा रहा है, जिसके लिए ये इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर किया जा रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोर्सी. द पर्सन टू हुम द इंस्ट्रूमेंट इज एंडोर्स्ड इज कॉल्ड एंडोर्सी. द पर्सन मेकिंग द एंडोर्समेंट इज द एंडोर्सर. ठीक है, अब इसके कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं तभी ये एंडोर्समेंट क्या होता है, वैलिड होता है. सबसे फर्स्ट क्या है, द एंडोर्समेंट मस्ट बी डन आइदर ऑन द बैक और फेस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. And if there is no space, then it must be made on a separate paper attached to it. Endorsement का ये नियम है कि या तो अगर instrument के ऊपर में जगह है, face पे जगह है, तो आप ऊपर में ही ये process कर दो, या फिर back on the instrument भी आप कर सकते हैं. और कहीं पे भी अगर space नहीं है तो आप एक अलग से slip paper, separate paper या slip attach कर सकते हैं उसके ऊपर और उसको endorse कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, द एंडोर्समेंट मस्ट बी डन इन इंक. बिल्कुल इंक से, मतलब कि पेन से एंडोर्स किया हुआ होना चाहिए. कोई भी पेंसिल या रबर स्टैम्प कंसिडर नहीं किया जाएगा, वो इनवैलिड करार दिया जाएगा. कोई भी स्ट्रेंजर पर्सन एंडोर्स नहीं कर सकता किसी भी पर्टिकुलर ये इंस्ट्रूमेंट को. ठीक है, कोई भी स्ट्रेंजर नहीं, ये बहुत नेसेसरी है कि जो होल्डर है इंस्ट्रूमेंट का वही उसको एंडोर्स कर सकता है, क्योंकि उसी के पास राइट है. नेक्स्ट, जो एंडोर्सर है उसका सिग्नेचर होना मैंडेटरी है, उसका साइन जरूरी है. इट मस्ट बी कंप्लीटेड बाय द डिलीवरी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. आपने साइन कर दिया, सारे प्रोसेस कर दिए, इंस्ट्रूमेंट को फाइनल पर्सन तक डिलीवर कर दिया, तो ही एंडोर्समेंट का प्रोसेस कंप्लीट होगा. नेक्स्ट, द एंडोर्समेंट मस्ट बी ऑफ द एंटायर बिल. पूरे बिल का एंडोर्समेंट होता है, पार्शियल एंडोर्समेंट नहीं होता. ठीक है, पार्शियल एंडोर्समेंट इज नॉट ऑपरेटेड एज अ वैलिड एंडोर्समेंट. पार्शियल एंडोर्समेंट होता है लेकिन हम इसको वैलिड एंडोर्समेंट करार नहीं देते हैं. मतलब अगर 10,000 का बिल है तो हम एंटायर बिल का एंडोर्समेंट करेंगे, ना कि 8,000 या 7,000 का एंडोर्समेंट करेंगे. ठीक है,
देखिए आगे नेक्स्ट क्या है, काइंड्स ऑफ एंडोर्समेंट। तो हम इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे, अभी के लिए देख लीजिए क्या क्या होता है। फर्स्ट है ब्लैंक एंडोर्समेंट, मतलब व्हेन द एंडोर्सर साइन हिज नेम ओनली एंड इट बिकेम पेबल टू बियरर। सिंपली क्या कर दिया, जो एंडोर्सर है यानी एंडोर्स करने वाला है उसने सिर्फ इंस्ट्रूमेंट पे सिग्नेचर किया और कुछ भी नहीं, और उसको ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, पेबल टू बियरर बन गया, मतलब सिर्फ साइन कर दिया गया उस पे, जिसको मिलेगा वो इंस्ट्रूमेंट उसका हो जाएगा। तो ये इंस्ट्रूमेंट, ये एंडोर्समेंट कैसा है, ब्लैंक एंडोर्समेंट, मतलब किसके नाम से किया जा रहा है, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ जो एंडोर्सर है उसका सिग्नेचर है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, स्पेशल एंडोर्समेंट, व्हेन द एंडोर्सर पुट हिज साइन एंड राइट द नेम ऑफ द पर्सन हु विल रिसीव द पेमेंट। अगर साइन किया गया और उस पर्टिकुलर पर्सन का नाम भी लिखा गया जिसको कि ये पेमेंट रिसीव होना है, तो ये एंडोर्समेंट कहलाएगा स्पेशल एंडोर्समेंट। रेस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट, जहां पे कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाया जाए, नेगोशिएशन का कुछ फर्दर रेस्ट्रिक्शन लगाया जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, रेस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट। नेक्स्ट है पार्शियल एंडोर्समेंट, विच अलाउ ट्रांसफरिंग टू द एंडोर्सी अ पार्ट ओनली ऑफ द अमाउंट पेबल ऑन द इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट में कुछ पार्ट ऑफ पेमेंट को ही रिसीव करने का राइट दिया जाए एंडोर्सी को, तो ऐसे एंडोर्समेंट को हम पार्शियल एंडोर्समेंट बोलते हैं। और कंडीशनल एंडोर्समेंट की बात करें तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ कंडीशन फुलफिलमेंट की बात करी जाती है, ठीक है, अभी डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए ब्लैंक एंडोर्समेंट और जनरल, इसको हम जनरल एंडोर्समेंट भी बोलते हैं। तो ये क्या होता है, एन एंडोर्समेंट इज ब्लैंक और जनरल वेयर द एंडोर्सर साइन हिज नेम ओनली एंड इट बिकेम पेबल टू बियरर। मैंने अभी बताया कि एंडोर्सर क्या करता है, सिर्फ अपना साइन करता है और कुछ नहीं करता, तो ये क्या बन जाता है, ब्लैंक एंडोर्समेंट बन जाता है, क्योंकि सिर्फ साइन है, कुछ भी नहीं लिखा किसको पे करना है, कहां से पे करना है, कुछ भी नहीं बताया गया है, तो ये पेबल टू बियरर हो जाता है, मतलब जिसने इसको होल्ड कर रखा है वो उसका ओनर बन जाएगा। Thus, where a bill is payable to Ram or order and he write on its back Ram, सिर्फ राम लिख दिया गया, ठीक है, इट इज एन एंडोर्समेंट इन ब्लैंक बाई राम। राम ने क्या कर दिया, ये एंडोर्समेंट ब्लैंक कर दिया एंड द प्रॉपर्टी इन द बिल कैन बी पास बाई अ मेयर प्रेजेंटेशन। जो भी इस बिल को प्रेजेंट करेगा उसको वो पैसे मिल जाएंगे, ठीक है। वी कैन कन्वर्ट अ ब्लैंक एंडोर्समेंट इन टू एन एंडोर्समेंट इन फुल, हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं फुल एंडोर्समेंट में। वी कैन डू सो बाई राइटिंग अबव द एंडोर्सर सिग्नेचर अ डायरेक्शन टू पे द इंस्ट्रूमेंट टू अनदर पर्सन और हिज ऑर्डर। मतलब हम साइन तो यहाँ पे है ही, हम डायरेक्शन भी दे सकते हैं कि किस पर्टिकुलर पर्सन को यह पे करना है, ये सारे अगर हम इंस्ट्रक्शन उसमें लिख दें साइन के साथ, तो ये स्पेशल और फुल एंडोर्समेंट बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए स्पेशल और फुल एंडोर्समेंट क्या होता है। एंडोर्समेंट को फुल या फिर स्पेशल तब बोलते हैं व्हेन वन वेयर द एंडोर्सर पुट हिज सिग्नेचर ऑन द इंस्ट्रूमेंट एज वेल एज राइट्स द नेम ऑफ अ पर्सन टू हुम ऑर्डर द पेमेंट इज टू बी मेड। मतलब अपना सिग्नेचर भी करता है, साथ साथ उस पर्सन का नाम भी बताता है जिस पर्सन को इसको एंडोर्स करना है, जिसको पेमेंट मेड करना है, ठीक है। अ बिल मेड पेबल टू राम और ऑर्डर एंड एंडोर्स पे टू द ऑर्डर ऑफ श्याम वुड बी स्पेशली एंडोर्स्ड एंड श्याम एंडोर्सेस इट फर्दर। मतलब क्या है, स्पेशल ऑर्डर आप दे रहे हैं कि राम है वो एंडोर्स कर रहा है किसको, श्याम को। क्लियर कट बताया गया है कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो श्याम को एंडोर्स किया जा रहा है, और अगर आगे चाहे तो श्याम किसी और को भी एंडोर्स कर सकता है, ठीक है। ये ब्लैंक एंडोर्समेंट नहीं है, यहाँ पे स्पेशल है, मतलब क्योंकि क्लियर कट श्याम का नाम लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्या है, रेस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट। यहाँ पे कुछ फर्दर मतलब नेगोशिएशन के लिए ना रेस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं। नेगोशिएशन मतलब मैंने किसी को ये इंस्ट्रूमेंट दिया, वो भी किसी और को इंस्ट्रूमेंट दे सकता है, वो किसी और को वो इंस्ट्रूमेंट नेगोशिएट कर सकता है। सपोज करो मैंने एक प्रोमिसरी नोट मतलब किसी को दिया, अब वो किसी और को ट्रांसफर कर सकता है अगर उसको क्रेडिट पे चाहिए तो ये प्रोसेस चलता रहता है नेगोशिएशन का। तो यहाँ पे आप अगर कोई बिल ये इंस्ट्रूमेंट अगर दे रहे हैं लेकिन उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा करके दे रहे हैं, नेगोशिएशन के रिगार्डिंग कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा करके दे रहे हैं, तो ऐसे एंडोर्समेंट को हम क्या बोलते हैं, रेस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट। एग्जाम्पल देखिए, जैसे आपने कहा पे टू मिसेस गीता ओनली, या मतलब कि सिर्फ गीता को ही पे करना है ना। पे टू मिसेस गीता फॉर माई यूज, सिर्फ मेरे यूज के लिए गीता को पे करना है।
या फिर मिसेस गीता को पे करना है लेकिन रीटा के अकाउंट में पे करना है, मतलब कुछ स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन आपने लगा दिया कि सिर्फ और सिर्फ गीता ही इसको, सिर्फ गीता को ही पे करना है, किसी और को नहीं, कोई अब इसका पेमेंट रिसीव नहीं कर सकता है गीता के अलावा, ठीक है। या फिर आपके यूज का जो पेमेंट था वही सिर्फ और सिर्फ मिस गीता को मिलेगा, किसी और पर्पस के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो क्या कर दिया गया, रेस्ट्रिक्शन लगा दिया गया, इसलिए इस एंडोर्समेंट को हम क्या बोलते हैं, रेस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट। नेक्स्ट क्या है, पार्शियल एंडोर्समेंट। एंड एंडोर्समेंट पार्शियल इज वन विच अलाउ ट्रांसफरिंग टू द एंडोर्सी अ पार्ट ओनली ऑफ द अमाउंट payable on the instrument. This does not operates as a negotiation of the instrument. देखिए endorsement मतलब partial way में है, मतलब आप सामने आप क्या कर रहे हैं, आप allow कर रहे हैं कि part of payment ही सिर्फ instrument से payable होगा, ठीक है। ये इसका जो operation है ना, ये valid नहीं है, लेकिन इस तरीके का भी एक negotiation endorsement होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, partial endorsement। मतलब अगर मिस्टर मोहन है holds a bill for ₹5,000 and endorse it as pay Sohan on order ₹2,500. उनके पास एक बिल है, ठीक है, कितने का, ₹5,000 का, और वो एंडोर्समेंट इसका कर रहे हैं किसके नाम से, सोहन के नाम से, लेकिन वो इंस्ट्रक्शन क्या दे रहे हैं कि पे सोहन और ऑर्डर ₹2,500, मतलब इस बिल में से ₹2,500 सोहन को पे हो सकते हैं या सोहन जिसको ऑर्डर देगा उसको पे हो सकते हैं, अदरवाइज पूरा 5,000 ये बिल नहीं पेबल होगा, मतलब कि बिल का कुछ हिस्सा पे हो रहा है। दैट मींस कि कैसा एंडोर्समेंट किया जा रहा है, पार्शियल किया जा रहा है, पार्शियल एंडोर्समेंट इनवैलिड होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कंडीशनल और क्वालिफाइड एंडोर्समेंट, वेयर द एंडोर्सर पुट हिज सिग्नेचर अंडर सच राइटिंग which make the transfer of title subject to fulfillment of some condition of the happening of some events, it is a conditional endorsement. अगर endorser अपना sign करे, किसी को pay करना है उसका नाम लिखे और कुछ condition लिख दे, ठीक है, कि ये जो transfer of title है कुछ certain condition fulfill होगा तो ही इसका transfer होगा, otherwise नहीं होगा। मतलब कि अगर एक बिल बनाया जाए, उसको एंडोर्स किया जाए कि ये तभी पेबल होगा जब इनकी शादी होगी या शादी के बाद पेबल होगा, है ना, तो ऐसा कोई कंडीशन लगाया जाए, इस बच्चे के 18 साल के होने के बाद पेबल होगा, कुछ भी ऐसा कोई कंडीशन लगाया जाए और उस कंडीशन को फुलफिल होने के बाद ही इसका टाइटल ट्रांसफर हो, तो ऐसे एंडोर्समेंट को हम क्या बोलते हैं, कंडीशनल और क्वालिफाइड एंडोर्समेंट। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और नेक्स्ट कौन सी वीडियो चाहिए कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।